Hello everyone, welcome to my channel VS Education Shop. Today I am here to discuss important GK questions upon discussions karenge. So my dear students, please complete video dekhiyega. Aaj third class apni last two class ho chuki hai. Aapse recommend karunga, please last two class bhi dekh lijiyega. Okay, start karte hain sessions ko without time wasting, kyunki time bahut kam hai. LIC assistants means ki exam se related aapke 22 of assistants ko exam se us related bahut time kam hai. तो उसी के बेसिस पे अपन क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे. बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत ही मजा आएगा आपको सेशंस को देख के. एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम से देखने को बिल्कुल मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ. कि स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशंस को शेयर कीजिएगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल्स को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए. ओके, चाहे LIC असिस्टेंट मेंस हो चाहे IBPS क्लर्क मेंस हो, दोनों में से कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस. देखिए इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस अवेलेबल है, बिल्कुल डिटेल्स में अपन डिस्कशंस करेंगे. देखिए क्वेश्चंस भले ही कम हो, बट आपकी कॉन्सेप्ट्स एक तरह से कैसे बन, जो क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में क्या बन सकते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, राइट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस अवेलेबल है, प्लीज ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके. ओके, देखिए व्हेन इज द पॉइंट ह्यूमन राइट ऑब्जर्व ग्लोबली. माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बिल्कुल 101% चांसेस बनेंगे. ओके, विश्व मानवाधिकार दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन. 7th ऑफ दिसंबर, 8th ऑफ दिसंबर, 9th ऑफ दिसंबर एंड 10th ऑफ दिसंबर, ये आपका क्वेश्चन है. तो आपका ऑप्शंस देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके बारे में एक तरह से कह सकते हैं कौन इसको प्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कब इसको और एक तरह से पहला दिवस कब बनाया गया था. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसका पहला दिवस आपकी 1948 को, राइट, विश्व मानवाधिकार 1948 को इसका पहला, यानी कि 1948 को इसका एक तरह से कह सकते हैं ओपनिंग कह सकते हैं इसका पहला दिवस बनाया गया था. ओके, विश्व मानवाधिकार दिवस पर, तो दैट इज द इसका आंसर आपके 10th ऑफ दिसंबर, राइट, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, 10th ऑफ दिसंबर. और कल भी मैंने वीडियो में बताया था 9th ऑफ दिसंबर का, 7th ऑफ दिसंबर का, सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया था, वो भी आप डेज एक तरह से कह सकते हैं. बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर 9th ऑफ दिसंबर को ये बनाया जाता है एंड 10th ऑफ दिसंबर को ये बनाया जाता है एंड 8th का भी मैंने बताया था कमेंट बॉक्स में. ये रिविजन के सेशंस होते हैं, रिविजन पे आप क्या क्या कर सकते हैं अब. ओके, एंड देन वन मोर क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि इसकी थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस. ओके, देखिए थीम इसकी रही थी, मैं आपको बता देता हूँ. देखिए यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, राइट, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट, राइट, दैट इज द थीम ऑफ विश्व मानवाधिकार दिवस 10th ऑफ दिसंबर को 1948 को. अब क्वेश्चन एक और बन सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली. बहुत से क्वेश्चन इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए डी कि आपका 10th ऑफ दिसंबर को बनाया जाता है. सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि कब बनाया गया था ये, तो 1948 को. एंड थर्ड क्वेश्चन आपकी क्या थीम रही थी, यूथ स्टैंडिंग अप अप फॉर ह्यूमन राइट. एंड फोर्थ क्वेश्चन आपके बन सकता है कि इसकी एक जो आपके इसका विश्व मानवाधिकार है, राइट, ह्यूमन राइट्स में भारत के कितने रैंक प्रेजेंट की गई थी. तो ये क्वेश्चंस मैंने आर्टिकल्स पे मैंने डिस्कशंस किया था. देखिए ये मैंने लिस्ट लगा दी है, इसके लिस्ट मैंने लगा दी है इंडिया 130 2017 में, राइट, एंड देन 129 इज द अभी करंट सिचुएशंस में रैंक है. 129 इनकी एक पादान पर ऊपर आए हैं, तो 129 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस क्वेश्चन का देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, 10th ऑफ दिसंबर 1948 एंड दिस थीम आपकी यूथ स्टैंडिंग्स अप फॉर ह्यूमन राइट्स एंड देन इंडिया के लिए 129. ओके, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक ही क्वेश्चन में सारे फोर्थ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए. ओके, मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी कि नागालैंड में इनमें से कौन सा फेस्टिवल्स मनाया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन. देखिए संघाई फेस्टिवल्स, सिरी सिरुमी, लिली फेस्टिवल्स, सारी ब्लोजोंस फेस्टिवल्स एंड छठ फेस्टिवल्स, दैट इज द क्वेश्चन. देखिए इनमें से क्वेश्चन में से आपको सारे फेस्टिवल से जो सारे त्योहार से वो आपको ध्यान में होने चाहिए. देखिए संघाई फेस्टिवल्स, राइट, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मनाया जाता है आपके मणिपुर में, राइट, मणिपुर में.
मणिपुर में, ओके। ये भी आपका मणिपुर में मनाया जाता है, राइट। दोनों आपके मणिपुर में, संगाई फेस्टिवल्स एंड शिरोई लिली फेस्टिवल्स, ओके। चेरी ब्लोजोम्स आपके फेस्टिवल्स, चेरी ब्लोजोम फेस्टिवल्स आपके मेघालय में मनाया जाता है, राइट। मेघालय में, राइट, मेघालय में। छठ पूजा आपके बिहार में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है छठ पूजा आपके बिहार में, ओके। ओके, देखिए, छठ फेस्टिवल्स आपके बिहार में, राइट, दैट इज द क्लियर। एंड देखिए संगाई, अब आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे सर नागालैंड में कौन सा बना जाता है, तो इसका आंसर आपकी नन ऑफ दीज आंसर्स इसका करेक्ट होगा, राइट। इनमें से कोई नहीं, नागालैंड में आपके बनाया जाता है, देखिए नागालैंड में आपके बनाया जाता है हॉर्नबिल, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है, हॉर्नबिल नागालैंड में बनाया जाता है, राइट, हॉर्नबिल नागालैंड में, ओके। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब नागालैंड के चीफ मिनिस्टर्स आपको मालूम होना चाहिए, नेफ्यू रियो, राइट। नेफ्यू रियो इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नागालैंड, राइट। एंड आर एन रवि इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, राइट। रवि, आर एन रवि इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड। नेफ्यू रियो एंड आर एन रवि एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल्स नागालैंड में। एंड वन मोर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड की कैपिटल्स आपकी कोहिमा, राइट। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, ओके, ये क्लियर हो। एंड देन मणिपुर, संगाई फेस्टिवल्स आपके मणिपुर में मनाया जाता है, राइट। मणिपुर के आपके चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, राइट, बीरेन सिंह। एंड गवर्नर आपके नजमा हेपतुल्ला, राइट, नजमा हेपतुल्ला। और इम्फाल वहां की कैपिटल्स हो गई, राइट, ये भी मणिपुर का। एंड देन मेघालय, मणिपुर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, मेघालय से, तो मेघालय से आपका कोणार्क संगमा, राइट, कोणार्क संगमा वहां के चीफ मिनिस्टर से, ओके। और आपकी गवर्नर तथागत रॉय। एंड देन मेघालय की कैपिटल आपको मालूम है, दैट इज द शिलोंग, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। बिहार की कैपिटल्स पटना, और फागू चौहान यहाँ की गवर्नर है, एंड नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर से हैं, ओके, क्लियर। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर एंड बिहार, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, ओके। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशंस। देखिए एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन किए, दो क्वेश्चन करीबन करीबन 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, ओके। रिविजन भी होगी, कौन कौन से फेस्टिवल्स है वो भी आपके क्लियर हो गए, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसका ई इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपके, विच स्टेट फॉर्मर हायर एजुकेशन मिनिस्टर भगत प्रसाद मोहंती पास्ट अवे रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री भगत प्रसाद मोहंती का निधन हो गया, तो दैट इज द करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा, राइट। उड़ीसा से ये एक तरह से फॉर्मर राज्य शिक्षा मंत्री थे, राइट, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है उड़ीसा के। देखिए उड़ीसा से फैक्ट से एक और बन सकता है, नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, नवीन पटनायक, ओके। एक और क्वेश्चन अभी करंट से रिलेटेड आपको मैं बता दूँ, उड़ीसा से रिलेटेड। देखिए उड़ीसा में अभी रामनाथ कोविंद, राइट, रामनाथ कोविंद जी जो अपने भारत के राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद, राइट, रामनाथ कोविंद, इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं जो मेमोरियल है, राइट, स्मारक होता है, राइट, उसपे जो पाइक का हुआ था, आपको मालूम होगा 218 पाइक का, राइट, पाइक का 1817 को, 1817 को पाइक का हुआ था, लगभग 200 साल हो गए उसके कंप्लीटेड, उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिस पे जो एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह एक तरह से हुआ था, उसके बेसिस जो वहां पर मरे थे उनके बेसिस पे स्मारक बनाया गया, उनका इनॉग्रेशन किया है रामनाथ कोविंद ने उड़ीसा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन से बन सकता है इस बार, ओके, नोट कर लीजिएगा इसको, और फिर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, Who was elected as the president of New Broadcaster Federations NBF on December 8, 2019? December 8 को किसको New Broadcast Federations के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? That is the आपका answer अर्णब गोस्वामी, right? अर्णब गोस्वामी ही ये इज द रिपब्लिक चेयरपर्सन, रिपब्लिक टीवी है उसके चेयरपर्सन से अर्णब गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे के थे, ओके, सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर हैं, राइट, एंड देन रवीश कुमार एनडीटीवी के, राइट, एनडीटीवी की इनको रमन से को अवस्कार भी मिला हुआ है, पुरस्कार भी मिला हुआ है रवीश कुमार जी को, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर सी इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट आपका वाडा, देखिए वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर 4 इयर्स, राइट, बहुत
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम से रिलेटेड है कि सारे क्वेश्चंस इस हलवा टाइप क्वेश्चंस नहीं। मेरा ये नहीं मकसद है कि मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको करवाऊं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस करूं, नॉट एट ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल पे, आप खुद देख सकते हैं 5 क्वेश्चन अभी किए, बहुत ही अच्छे लेवल पे। देखिए 4 ईयर्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट, किसको किसने देखिए वाडा ने किस देश को यानी किस कंट्री को बैन कर दिया 4 साल के लिए, जो उल्लंघन एक तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया 4 साल के लिए उन्होंने खेल के आयोजन एक तरह से जो फॉलो नहीं किया रूल्स को, दैट इज द रशिया। फिर तक रशिया को उन्होंने बैन कर दिया है 4 साल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाडा से रिलेटेड। वाडा का आपका एक तीस वाडा से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर सकते हैं, वाडा का जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, राइट। मॉन्ट्रियल कनाडा में, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, राइट। दैट इज द क्वेश्चन। ओटावा जो एंडेस्क्यू है, बियांका एंडेस्क्यू, राइट। बियांका एंडेस्क्यू जो यूएस ओपन जीती थी वुमेन्स में, वो कनाडा की है, ओके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी मेडल्स क्लिंच्ड बाय इंडिया एट 13th साउथ एशियन गेम नेपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी डिक्लेयर हुआ, अभी करंट सिचुएशन एक तरह से कह सकते हैं कल की डेट्स में वहां पर समापन हुआ था, वहां के प्रधानमंत्री एक तरह से कह सकते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री, राइट, वहां पर आए थे समापन समारोह में, तो उन्होंने एक तरह से वहां पर इनकी एक तरह से हाजिरी रही थी। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूं 13वें दक्षिण एशिया में नेपाल के संबंध में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए थे, तो दैट इज द 312 यानी कि 312 पदक टोटल जीते गए थे, ओके। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखिए Who inaugurated Gorekam Ambitions, Ambitious Integrated Command and Controls, यानी कि ICCC, ओके। महत्वाकांक्षी गुड़गांव के महत्वाकांक्षी एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया था, तो नर्मदा देश आपकी रामनाथ कोविंद जी ने, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गुड़गांव हरियाणा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आपके मनोहर लाल खट्टर एंड डिप्टी सीएम आपके आपके चौटाला साहब, राइट, चौटाला साहब एंड गवर्नर आपके सत्यदेव नारायण रॉय, ओके। नेक्स्ट आपका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूएई और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होगी, दैट इज द आयरन यूनियन, आयरन यूनियन 12। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट देखिए वेयर वाज द फर्स्ट एवर ह्यूमन लाइब्रेरी चैप्टर 2, a concept that seeked to replace books with human hands, यानी कि मानव पुस्तकालय अध्याय 2 का पहला आयोजन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ, एक ऐसी अवधारणा जिसे पुस्तकों को मानव के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए खोजा गया था, तो दैट इज द ये मैसूर कर्नाटक में इसका आयोजन एक तरह से किया गया था, ओके। नेक्स्ट आपके 10th नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड ए प्रोग्राम्स इन इंटर टीम पार्टनरशिप विद स्वस्ति विच एम्स टू, इसका एम है टारगेटेड टू ट्रेन 50,000 एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर, इसका उद्देश्य उसका टारगेट यही है कि एमएसएमई क्षेत्र में 50,000 उद्यमों को एक तरह से प्रशिक्षित करना यानी उनको शिक्षित बनाना, उनको जानकारी प्रदान करना, किसके एक किस कंपनी ने लिया, तो दैट इज द वॉलमार्ट ने, ओके वॉलमार्ट, नोट इसका वॉलमार्ट होगा, फेसबुक की तरह इसका वॉलमार्ट होगा, ओके डी कर लीजिएगा इसको, डी कर लीजिएगा, डी वॉलमार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखिए ईयर 2020 मार्क्स द डेथ तिथि एनिवर्सरी ऑफ फेडरेशन इंडियन एसोसिएशन यानी FIA की कितनी एनिवर्सरी बनाई गई थी, अभी जो आनंद कुमार आपको मालूम होना चाहिए सुपर 30 के जो आनंद कुमार है वहां पर, तो उनके बेसिस पर कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी, दैट इज द 50वीं वर्षगांठ इसके बेसिस पर बनाई गई थी। A is the correct answer of this question, okay? 11 questions are completed. My dear students, I hope कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अगर समझ में आए कुछ भी वर्ड्स, आप कुछ भी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ भी चीज आपने सीखी है यहाँ से, कुछ हेल्प हुई है, तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ओके लाइक बटन पे प्रेस जरूर कीजिएगा एंड शेयर बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत आपके और जो फ्रेंड्स हैं आपके कलीग्स हैं, राइट, वो भी देख सके, ओके एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ओके।
ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन से ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा विद ऑप्शंस। सारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी आपके नीचे दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीरीज, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ लाइक बटन प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सेशंस क्रिएट करने में, आपके क्वेश्चन क्रिएट करने में, तो प्लीज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेशंस को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।